हेलो एवरीवन, सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट टू ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पार्ट वन में हमने क्या करा था, ये पैराग्राफ रीड करा था। और फिर जब हमने ये पैराग्राफ रीड करा तो हमने यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि पहले प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर समझ आएगा अच्छे से। तो मैंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर वाली वीडियो भी डाल दी है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब वापस से चलते हैं इस पैराग्राफ पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले पैराग्राफ पे। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ थोड़ी सी बातें। पॉलीसेकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहा गया है, ये याद रखना। प्लस आपको याद रखना है ये वाली बात कि इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पॉलीसेकेराइड चेन में राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको मार्क करा दिए। ठीक है, सो अब देखिए वापस से चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है कि इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून। मतलब यहाँ पर दिखा रखे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए फिगर 9.2 में यहाँ ब्रांचेस शो कर रखी हैं आपको, है ना। देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये एक पॉलीसेकेराइड यूनिट है और यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रांचेस। यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, ये एक स्ट्रक्चर है मान लीजिए, और ये सभी क्या है, ये हैं ब्रांचेज। ये क्या है, दीज आर ब्रांचेज। ये क्या है, ब्रांचेज हैं। तो ये आपको फिगर में दिखा रखा है, यहाँ पर ब्रांचेज बनती हैं पॉलीसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर अच्छे से देखा है तो कुछ इस तरीके से था ना, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो है जैसे राइट हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे इस तरीके से हमारी जो सीढ़ियाँ होती है, हम अगर उठ चले सीढ़ियों पे, सर्कुलर सीढ़ियाँ जो होती है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होती हैं, राइट। तो उन्हीं का कॉन्सेप्ट बताया गया है, वो कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे डीएनए का होता है ना हमारे पास मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ से चले फिर यहाँ 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 यहाँ, दीज आर सेकेंडरी सर्कुलर हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टार्च का वैसा ही सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट स्टार्च की बात करें अगर हम, ठीक है, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आई टू मॉलिक्यूल्स। आई टू क्या है यहाँ पर, आयोडीन। स्टार्च आयोडीन मॉलिक्यूल्स को भी स्टे होल्ड कर सकता है अपने हेलिकल पोर्शन में। ठीक है, इसी वजह से स्टार्च का आई टू इज ब्लू इन कलर। स्टार्च आई टू, स्टार्च और आयोडीन का टेस्ट होता है ना, आयोडीन टेस्ट, जैसे हमने थर्ड फोर्थ क्लास में करा था पोटैटो का आयोडीन टेस्ट, तो उसमें पता लगता है कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टार्च, अगर हमारे पास पोटैटो का कलर ब्लू आ गया ना, मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा पोटैटो स्टार्च है। मतलब कि किसी भी चीज़ में, ओनली पोटैटो तो सिर्फ हमने टेस्ट करने के लिए लिया था, ब्लू का मतलब स्टार्च प्रेजेंट होती है। ऑफ कोर्स हर एक पोटैटो में स्टार्च होता है, लेकिन वो सिग्निफाई करने के लिए, ठीक है, सिग्निफाई करने के लिए कि वहाँ पर स्टार्च है, इसीलिए ब्लू कलर वाला टेस्ट कर रहा है, आयोडीन टेस्ट। ठीक है, सेल्यूलोज का कोई कॉम्प्लेक्स हेलिकल नहीं होता और इसी वजह से, देखिए अब स्टार्च के पास हेलिकल स्ट्रक्चर था, इसी वजह से ये आई टू मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रख सकता था। लेकिन यहीं पर सेल्यूलोज की बात करें तो वो अपने अंदर आई टू मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई कॉम्प्लेक्स हेलिसिस नहीं है। तो दिस में भी असर्शन रीजन क्वेश्चन कि स्टार्च डज नॉट, असर्शन आ सकता है, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस, रीजन आ सकता है बिकॉज तो नहीं देंगे, मतलब इट कैन नॉट होल्ड आई टू। ठीक है, तो आपको असर्शन रीजन दे सकते हैं। ठीक है, सो जहाँ भी हैंस दे रखा हो आपके एनसीईआरटी ने, बिकॉज दे रखा हो, देयर फोर दे रखा हो, तो उन लाइन्स को ना अलग हाईलाइटर से मार्क कर लिया करो कि ये लाइन्स असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हम सबको पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, सेल्यूलोज से। पेपर कहाँ से बनता है, प्लांट के पल्प से। और कॉटन फाइबर कैसे होते हैं, सेल्यूलोजिक होते हैं। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर। अब देखिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमो पॉलीमर्स। कि जो मोस्टली डीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जितनी अभी हम बात करेंगे ना, देखिए पहले ये देख लीजिए, अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूटोसामीन एंड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड एग्जाम्पल्स हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स कॉल्ड काइटिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए फंजाई,
फंजाई की सेल वॉल कैसी, कौन सी होती है? काइटिनस, काइटिन की होती है। आर्थ्रोपोड्स, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन और फंजाई की सेल वॉल काइटिन होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। सो क्वेश्चन में अराइज इज कि काइटिन क्या है? काइटिन इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो इतना कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट में काम नहीं चलेगा। चलिए चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल में। तो कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल में जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स आ गए, ये हो गए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहाँ पर मैनी शुगर्स, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स मोनो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। ठीक है, तो सिंपल में मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स आ गए। मोनो, देखिए मोनो मीन्स वन, सैकेराइड इज रिफरिंग टू शुगर, तो वन शुगर। डाई मीन्स टू एंड सैकेराइड इज रिफरिंग टू शुगर, यानी कि टू शुगर्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल देख लीजिए। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल में आएंगे हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड्स में क्या होता है, जैसे इन्हीं के, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इन्हीं का एग्जैक्ट, लेकिन माल्टोज है जैसे कि, तो माल्टोज में क्या होगा, कोई भी दो मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड का मतलब दो मोनोसेकेराइड्स जुड़े हैं। ठीक है, तो कोई भी दो मोनोसेकेराइड्स जुड़े और हमारे पास यहाँ पर उसने माल्टोज बना लिया, सुक्रोज बना लिया, लैक्टोज बना लिया। तो जैसे अगर मैं बात करूँ माल्टोज की यहाँ पर, तो माल्टोज में क्या होते हैं, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ सुक्रोज की, सुक्रोज के अंदर क्या होगा, सुक्रोज में एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, सो माल्टोज, सुक्रोज, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लैक्टोज की, लैक्टोज में क्या होगा है, क्या होगा लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सॉरी गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कहाँ पर होता है, माल्टोज में। इतना क्लियर हो गया, सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद होने चाहिए इन तीन मॉलिक्यूल्स के, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज के आपको याद होने चाहिए कि माल्टोज टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। सुक्रोज में क्या क्या होते हैं, सुक्रोज में होता है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। लैक्टोज में क्या होगा, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज। देखिए लैक्टोज का याद करने का सिंपल मेथड बता देती हूँ, यहाँ पर भी टोज है, यहाँ पर भी टोज है। ठीक है, यहाँ पर भी टोज है, यहाँ पर भी टोज है, देखिए बल्कि यहाँ लैक्टोज है ना, यहाँ पूरा ही लैक्टोज है, गै प्लस लैक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और गै लगा दो, गैलेक्टोज, ये बन गया लैक्टोज का। ठीक है, सुक्रोज में जैसे कि शुगर है, शुगर मीठा मीठा होता है ना, सुक्रोज याद करो, एक तरीका बता रही हूँ, शुगर मीठा मीठा होता है ना, फ्रक्टोज भी स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है ग्लूकोज भी, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज में टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वापस चलते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लैक्टोज का बता दिया, लैक्टोज में क्या था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्लियर हुआ। सुक्रोज का क्या था, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और माल्टोज में क्या था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आई होप कि ये इस ट्रिक से आप सभी को याद हो गए। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स शुगर्स की बात करें, सो दे में भी होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फाइबर। ठीक है, क्लियर है सबको। अब इस स्ट्रक्चर पे, इस डायग्राम पे भी चलिए, टेबल है आपके पास। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब वहाँ इस वाले डायग्राम में क्या दिया था आपको, इस वाली फ्लो चार्ट में डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कर दी। यहाँ से हमने ये समझ लिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन, फाइबर, स्टार्च। ठीक है, लेकिन इनकी सिर्फ इतनी क्लासिफिकेशन नहीं होती, मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डोज, ग्लूको, एल्डोज का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ बेसिकली दो दो होते हैं, एल्डोज और कीटोज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मोनोसेकेराइड्स की। देखिए यहाँ पर एल्डोज और कीटोज, कीटोज का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज और एल्डोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे भी क्लासिफिकेशन कर दी, फंक्शनल ग्रुप पे भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी। फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया कि एल्डोज है तो फिर हमारे पास ग्लूकोज आएगा, कीटोज है तो फ्रक्टोज।
ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे ट्राई ओसिस, यानी कि तीन कार्बन है तो ट्राई ग्लिसरल डिहाइड, टेट्रोसिस एरिथ्रोस, पेंटोसिस राइबोस, राइबोस का पता है ना, फाइव कार्बन शुगर, हेक्सोसिस ग्लूकोज, यानी कि यहाँ सिक्स कार्बन होंगे, ठीक है। अब टू टू टेन शुगर यूनिट्स, अब देखें यहाँ पर शुगर यूनिट्स हैं, देखिए वो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर शुगर यूनिट्स हैं, यहाँ पर सिंपल शुगर्स हैं। देखिए पहले मोनोसेकेराइड्स को समझिए, एक कार्बन की शुगर, दो कार्बन की शुगर, तीन कार्बन की शुगर, चार कार्बन की शुगर, इस तरीके से चलती रहती है। छः कार्बन की ग्लूकोज बता दिया, पाँच कार्बन की राइबोस, ठीक है, तीन के एग्जाम्पल दे दिए, ग्लिसरल डिहाइड, टेट्रोसिस का इरेथ्रोस। लेकिन ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस कॉन्सेप्ट में होते हैं कि भाई हमारे पास ऑलिगोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स में डिफरेंस क्या रह जाएगा, ठीक है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा, और यहाँ पर भी यही दे रखे हैं, तो डिफरेंस कहाँ आया। नहीं, डिफरेंस है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ शुगर यूनिट्स जुड़ी हैं, यानी कि यही जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था माल्टोस बताया था ना, टू शुगर टू ग्लूकोज यूनिट्स बताया था, तो ग्लूकोज कहाँ आ रहा है, हेक्सोसिस में आ रहा है, यहाँ इसमें पूरी की पूरी यूनिट चढ़ेगी, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या है, ये एक यूनिट है शुगर की, फ्रक्टोज एक यूनिट है, ठीक है, तो ये हमें ऐसे याद रखने हैं। तो डाइसेकेराइड्स में जहाँ दो का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे बताया था मैंने आपको, दो का कॉम्बिनेशन किस में हो रहा है, लेक्टोज में किस किस का होता है, और सुक्रोज में, लेक्टोज में होता है गैलेक्टोज का प्लस ग्लूकोज का, ठीक है। अभी देखिए, अब यहाँ पर ट्राईसेकेराइड्स भी होते हैं, ट्राईसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये तीन मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, ठीक है, तीन मोनोसेकेराइड्स यूनिट से, और तीन मोनोसेकेराइड्स यूनिट हैं, मान लो एक दो तीन, तो यहाँ कितने बॉन्ड्स आए, टू बॉन्ड्स, और कौन से बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। टेट्रासेकेराइड्स में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ फोर मोनोसेकेराइड से बन गए, एग्जांपल क्या है इसका, स्टेकियोस। अब स्टेकियोस किससे बना है, देखिए याद कर सकते हो तो कर लेना, गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, दो गैलेक्टोज से, चार यूनिट्स है ना, तो दो गैलेक्टोज से प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है, ठीक है, क्या, स्टेकियोज, ठीक है। और यहीं पर ट्राईसेकेराइड्स में रेफिनोज की अगर मैं बात करूं, तो रेफिनोज में गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, तो ये तीन मॉलिक्यूल्स, तीन शुगर यूनिट्स होती हैं। और यही पेंटासेकेराइड्स में वर्बेस्कोज की बात करूं, तो यहाँ तीन यूनिट गैलेक्टोज की होंगी, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की, ठीक है। तो ये टेबल आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया, ये तो एग्जाम्पल के साथ दे रखे हैं, याद कर लेना। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज बता दिया, यूनिट्स क्या होती हैं, रेफिनोज की भी रिवाइज करेंगे, रेफिनोज में गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर ट्राईसेकेराइड बनी है, जो कि है रेफिनोज। देखिए इतना याद कर लिए ना कि रेफिनोज बनी है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से, तो अपने आप याद हो जाएगा कि ट्राईसेकेराइड है, क्योंकि तीन यूनिट आ गई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ऐसे ही स्टाइकोस का क्या मतलब है, स्टाइकोस में आ गए चार सेकेराइड्स, चार यूनिट, यानी कि गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऐसे ही पेंटासेकेराइड्स में यहाँ पर क्या आ गए, पांच यूनिट्स, तीन यूनिट गैलेक्टोज की, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स के टाइप पे, जहाँ पर मोर देन 10 शुगर यूनिट्स होती हैं, ठीक है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, यहाँ 2 से 10 तक चलेंगी, 2 से 10 तक शुगर यूनिट, यानी कि दो जुड़ गई तो डाइसेकेराइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है, इस तरीके से हेक्सोसेकेराइड जो भी है। लेकिन 10 से ज़्यादा चले गए तो अब उनको लेंगे हम पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में। आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स में क्या आएंगे, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स, ठीक है, क्या आएंगे, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। अब एग्जांपल, अब देखिए पहले फर्दर क्लासिफिकेशन कर लो, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड यानी कि, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड थोड़ा सा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में इसके बारे में, है ना, बताया था ना, याद हो, जिस बच्चे को याद है वो समझ जाएगा अच्छे से होमो और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या था, यहाँ पर था कुछ ऐसा कि
एक ही टाइप के, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही मोनोसेकेराइड यूनिट के कंडेंसेशन से बना है. ओके, सो इफ आई ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, सो इट इज होमोपॉलीसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स. ओके, मोनोमर्स, एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड के मोनोमर से बने होते हैं ये. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, सो दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड मोनोमर्स और देयर डेरिवेटिव्स. ठीक है, सो होमोपॉलीसेकेराइड यानी कि जो एक ही टाइप से बना है वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज. ठीक है, बताया था सेल्यूलोज के बारे में जिक्र करा था, स्टार्च का भी जिक्र करा था, पेप्टिडोग्लाइकन, हायलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट एंड अगार अगार, इन्यूलिन. इन्यूलिन किसकी चेन से बनता है? फ्रक्टोज की. ठीक है, सेल्यूलोज किसकी चेन से बनता है? ग्लूकोज की. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, स्टार्च को हम क्या भी बोलते हैं? एमाइलम. एमाइलम भी बोल देते हैं हम स्टार्च को. ठीक है, ये दिस इज द मोस्ट अबंडेंट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स प्लांट्स के केस में. और स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है. इट्स कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, अमाइलोज, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. ठीक है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आता है, क्योंकि स्टार्च क्या कर लेता है? आई टू मॉलिक्यूल्स को अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में होल्ड कर लेता है. ठीक है, अब स्टार्च का ही अगर हम डिटेल में बात करें, स्टार्च की ही, तो स्टार्च में जो मैंने आपको दो पार्ट्स बताए ना, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, तो एक पार्ट जो इस तरीके से होता है वो है अमाइलोज, और दूसरा जो अमाइलोपेक्टिन है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ब्रांचेस इस तरीके से दिख रहे हैं, ब्रांच की तरह. सो दिस इज अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्लियर हुआ? ठीक है, ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन का भी आपको पता होना चाहिए. ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल्स स्टोर करते हैं ना जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट. देखिए, स्टार्च क्लियर हो गया, ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल्स में रहता है. एनिमल्स का एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट सारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है, एंड यहाँ पर लिवर भी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज बनाने के लिए. ठीक है, ताकि हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन स्टेबल रहे. ठीक है, ये काम किसका होता है? लिवर का. ओके, ग्लाइकोजन क्लियर, ग्लाइकोजन क्लियर. और ये किसका पॉलीमर है ये भी याद होना चाहिए. देखिए, अब मैंने ये कह दिया कि स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर नहीं हो सकता, सेल्यूलोज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. ठीक है, सेल्यूलोज की बात अगर हम करें तो ये भी बहुत मतलब मेजर पार्ट बनाता है अपनी प्लांट सेल वॉल्स का, और ये भी ग्लूकोज यूनिट्स का बना है. ठीक है, ये क्रॉस का मतलब है कि ऐसा नहीं है. देखिए, ये भी ग्लूकोज यूनिट का है, ये भी ग्लूकोज यूनिट का है, लेकिन फर्क कहाँ जाता है कि भाई स्टार्च में जितने यूनिट हैं, ठीक है, स्टार्च में लेट्स सपोज अप टू थाउजेंड्स होती हैं. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ यूनिट होती हैं, बल्कि ग्लाइकोजन की बात करूँ तो ग्लाइकोजन में थाउजेंड नहीं, इससे भी ज़्यादा होती हैं. ठीक है, अराउंड 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं. ठीक है, अराउंड 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स. एंड सेल्यूलोज की बात करूँ तो यहाँ पर अराउंड 2000 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, सो इसमें डिफरेंस आ जाता है, ये याद हमें रखना है. ओके, इन्यूलिन क्या होता है? बताया था कि यहाँ पर फ्रक्टोज की चेन होती है, 20, 22, 25 इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाते हैं. ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये अच्छे से? ओके, ये टेबल आपको पूरी याद करनी है. ओके, तो थोड़ा सा हेटरोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं. हम करेंगे जिक्र अगार अगार का. ठीक है, तो अगार अगार की बात करें तो अगार अगार क्या है? अगार अगार इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड. ठीक है, अगार अगार का जिक्र हमने कहाँ करा था, याद है? चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एल्गा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, वहाँ करा था कि अगार अगार किस किस सेल वॉल में मिलता है. इट्स फाउंड इन सेल वॉल ऑफ सम रेड एल्गी. ठीक है, और किस किस की में मिलता है, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे मैंने आपको पहले, जेलीडियम एंड जेलीडेला, है ना, जेलीडियम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, एंड जेलीडेला भी होता है.
अगर अगर कुछ रेड एल्गी की सेल वॉल में मिलता है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इट इज़ यूज इन कल्चर मीडियम एज लेक्सेटिव, ठीक है, एमल्सीफाइंग एजेंट के लिए भी कल्चर मीडियम में यूज़ करा जाता है, कल्चर मीडियम में यूज़ करा जाता है. अब किस कॉन्सेप्ट के लिए वो आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है. तो इतना याद रखेंगे, अगर अगर इज़ म्यूको पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये तीन पॉइंट्स भी याद रख लोगे सो दे आर मोर देन एनफ. सेकेंड हम चलते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पे, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. अब ये किस चीज का पॉलीमर है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ सल्फेटेड नैग. सल्फेटेड यानी कि जहां पर सल्फर हो, नैग का पता है आपको, एनएसिटाइलग्लूटामेन, ठीक है, अल्टरनेटिंग विद ग्लूकोरोनिक और आइड्यूरोनिक एसिड. इतना याद रखना है. क्या करता है आपको पता ही है, इट प्रोवाइड सपोर्ट. सपोर्ट किसको देगा, टू कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट करता है ये कंप्रेशन के अगेंस्ट, ठीक है. तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट क्लियर हुआ. हायलुरोनिक एसिड किसका पॉलीमर है, देखिए हायलुरोनिक एसिड का जिक्र कर रहे हैं अब हम. हायलुरोनिक एसिड किसका पॉलीमर है, इट्स पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है. और ये किस चीज़ की तरह काम करता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड. हायलुरोनिक एसिड एक्सेस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड किन में, एनिमल्स में, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इन एनिमल्स, ठीक है. ये पॉइंट्स याद रखना. ऑल्सो कहाँ कहाँ पर मिलता है पता है आपको, हायलुरोनिक एसिड जब स्पाइनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब आएगा CSF में मिलता है, साइनोवियल फ्लूइड में, विट्रियस ह्यूमर में और मैट्रिक्स में मिलता है कनेक्टिव टिश्यू के. तो ये जो मैंने तीन नाम बताए ना आपको, CSF एंड विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर हमारी आईज में होता है, ठीक है, और हमारे पास साइनोवियल मैट्रिक्स वगैरह, ये सभी हम CSF न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस. केराटिन सल्फेट के बारे में बता देती हूँ, ये नैग से बना होता है, ग्लूको ग्लेक्टोज और नैग सल्फेट से, ठीक है. तो देखिए केराटिन सल्फेट किस किस से बना है, नैग से, ग्लेक्टोज से एंड सल्फेट से. ये किसका जिक्र कर रहे हैं हम, केराटिन का, केराटिन सल्फेट का. अगर अगर क्लियर, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी में मिलता है, किस चीज़ के काम आता है, एमल्सीफाइंग एजेंट में, कल्चर मीडियम में एमल्सीफाइंग एजेंट के काम आता है. इट्स अ म्यूको पॉलीसेकेराइड. किसकी सेल वॉल में मिलेगा, जेलिडियम जेलिडेला की सेल वॉल में. केराटिन सल्फेट बन गया, क्लियर हो गया. किस चीज़ से बनता है, कैसे बनेगा, नैग से, गैलेक्टोज और सल्फेट से बनता है. हायलुरोनिक एसिड बताया CSF में, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में, CSF में, और हमारे पास यहाँ विट्रस ह्यूमर प्लस मैट्रिक्स ऑफ साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पर मिलता है. पेप्टिडोग्लाइकन का तो आपको पता ही होगा, ये बैक्टीरियाज की सेल वॉल में मिलती है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के बारे में भी बात कर ली मैंने कि इट्स अ पॉलीमर ऑफ सल्फेटेड नैग. क्या करेगा ये, कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करेगा अगेंस्ट द कंप्रेशन. इस पूरे फ्लो चार्ट की एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है. और इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है ना आज की क्लास का, वो है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जो भी मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स बतानी थी वो मैंने इसी टेबल में बता दी, ठीक है. सो जितनी डिटेल्स बताई है ना बीच बीच में, अगर आपने अभी तक नोट नहीं करी तो बीच बीच में जाकर पोस्ट करो, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लेना. तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताना चाहती हूँ. और ये देखिए आप, ये वाली जो हमारी टेबल थी, यहाँ क्या दे रखा था, सिंपल कॉम्प्लेक्स फाइबर, ये तीन वर्ड दे रखे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर. इनका यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करना चाहा ताकि आपको और अच्छे से इंटरेक्टिव क्लास लगे, समझ आए सब कुछ. तो अब मैं क्या करूँगी आपको ना, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गए फंक्शन से पहले, मैं वो बता देती हूँ आपको. क्योंकि क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, देखिए आपको ये तो पता है हमारे एग्जाम्स में क्या होता है. मान लीजिए आपको दे दिया व्हाट इज़ ब्रेन शुगर, या आपको दे दिया कि ब्रेन शुगर का आप मुझे फॉर्मूला बताइए, ठीक है. आप वहीं पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये ब्रेन शुगर क्या है, ठीक है. लेकिन वहीं पर क्वेश्चन ने कहा कि गैलेक्टोज का फॉर्मूला बताइए, वो आप बता देंगे. तो यही बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि गैलेक्टोज इज नोन एज ब्रेन शुगर, ठीक है.
तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे और आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट करिए, वो आपकी मर्जी, ठीक है। सो लिखेंगे सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज क्या है आपको पता है? इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम ग्लूकॉन डी पीते हैं तो हम उसको ग्लूकॉन डी क्यों बोलते हैं, मतलब कि ग्लूकॉन डी क्यों, मतलब जैसे ग्लूकोज तो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, दैट्स ओके, बट व्हाई वी सेड इट ग्लूकॉन डी, क्योंकि ग्लूकोज की सिर्फ और सिर्फ जो डी फॉर्म होती है ना, डी फॉर्म यानी कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होती है, ठीक है, आइसोमर जो ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर होता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर जो होता है, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज, किसका, ग्लूकोज का, वही हमें यूज़फुल होता है, वही हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। किसका जिक्र कर रहे हैं, ग्लूकोज का। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर यानी कि जिसको हम डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, उसी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है, मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड है। इसको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर और डेक्स्ट्रोज, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब इनके साथ क्या जोड़ना है हमें, शुगर, ठीक है। तो ग्लूकोज के चार नाम आज से याद रखोगे, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, क्यों, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है, इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी और ये मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड है। चार से पांच पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। फ्रक्टोज की बात करूँ ना, तो फ्रक्टोज जैसे लेक्टोज यहाँ पर सुक्रोज के केस में आया था ना, सुक्रोज है ना, सुक्रोज के केस में फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज होता है। एंड यहीं पर अगर मैं इन्यूलिन की बात करूँ तो हमारे पास फ्रक्टोज क्या होता है, इन्यूलिन का मोनोमर है ना, यानी कि बहुत सारे फ्रक्टोज मिलके इन्यूलिन बनाते हैं, इन्यूलिन लिख लीजिए, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर जिक्र करा सुक्रोज। अब फ्रक्टोज क्या है आपको पता है, फ्रक्टोज क्या है, इट्स द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलती है, स्वीटेस्ट है, नेचुरल है, ठीक है, स्वीटेस्ट है और नेचुरल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर इट इज, एंड इट इज़ फाउंड इन नेक्टर एंड हनी, नेक्टर एंड हनी, नेक्टर सी है ये, ठीक है, सी, इट इज सी। और इसको क्या बोलते हैं, लेव्यूलोज, क्योंकि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, लेवो रोटेटरी, ठीक है। फ्रूट शुगर भी कहा जाता है फ्रक्टोज को, ठीक है, फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। ऑल्सो देखिए ग्लूकोज में बात कर रहा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोन डी, फ्रक्टोज में लेव्यूलोज, लेव्यूलोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज को, लेव्यू रोटेटरी। नेक्स्ट है हमारे पास गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज नोन एज ब्रेन शुगर, ये मैंने आपको बता दिया। फिर हम चलते हैं इनवर्ट शुगर पे, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, फ्रक्टो ग्लू, जस्ट अ सेकेंड गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, ग्लूकोज। और हमने फ्रक्टोज को क्या बोलना है, एल फ्रक्टोज। तो इनवर्ट शुगर की बात अगर मैं करूँ, सो इनवर्ट शुगर इज नथिंग बट इट्स अ हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर, मिक्सचर तो है पर कैसा मिक्सचर है, हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर, इट्स अ हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग डी ग्लूकोज एंड एल फ्रक्टोज। सिंपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करूँ तो ये कहाँ मिलते हैं, सुक्रोज में, ठीक है। तो इन उस शुगर का ये हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर है जहाँ पर डी ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज है हमारे पास, क्लियर हो रहे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमें याद रखना है कि राइबोज किसका कॉम्पोनेंट है, एटीपी का, आरएनए का तो याद है ही हमें, आरएनए का है ना। और डीऑक्सीराइबोज की बात करूँ, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, राइबोज कॉम्पोनेंट है इनका। और डीऑक्सीराइबोज की बात करूँ तो ये किसका कॉम्पोनेंट है, डीएनए का, ठीक है, ओके। नाउ अब आपको बात करूं, अगर मैं बताऊं तो ग्लिसरल डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन की, तो फिर ये इंटरमीडिएट होते हैं रेस्पिरेशन के, जब हम ग्लाइकोलिसिस वगैरह पढ़ेंगे ना, जब यहाँ बहुत सारे नाम आएंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी नाम आएगा ग्लिसरल डिहाइड का,
ठीक है, ग्लिसरलडिहाइड एंड यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का धप बोलते हैं जिसको हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अनरिजॉल्व थिंग्स, ठीक है। सो ये हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। प्लस अब हम चलते हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हम एल्डोल शुगर के एग्जांपल का। और याद रखना कि ग्लिसरलडिहाइड क्या है, सिंपलेस्ट एल्डोस कार्बन। देखिए इन दो का बात कर रहा था, इन दोनों का जिक्र करा मैंने यहाँ पर, ग्लिसरलडिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो ग्लिसरलडिहाइड क्या है, ग्लिसरल लिख लेते हैं, ग्लिसरलडिहाइड इट इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट एल्डोस कार्बन, एल्डोस मोनोसैकेराइड कह लीजिए, सिंपलेस्ट एल जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हमारे पास ग्लिसरलडिहाइड क्या है, सिंपलेस्ट एल्डोज मोनोसैकेराइड, ओके। और हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, सिंपलेस्ट व्हाट, सिंपलेस्ट कीटोज, कीटोज वाली का है ये, ठीक है। कीटोज वाली फॉर्म हमने देखी थी, कीटोज में आया था, फ्रक्टोज भी एग्जांपल है कीटोज का, और एल्डोज का एग्जांपल मैंने आपको ग्लूकोज भी दिया था, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं एल्डोजेस के, ठीक है। तो देखना ज़्यादातर जहाँ कीटोज होगा ना, कीटोज में आएगा सफिक्स में यूलोज ज़्यादातर, जैसे कि सेरोहेप्टुलोज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, यूलोज आएगा ज़्यादातर कहा है मैंने, ठीक है। और एल्डोज की बात करूँ तो एल्डोज में क्या आएगा, ओस ज़्यादातर, जैसे कि ग्लूकोज, लाइगोस, राइबोस, ठीक है। बाकी सिंपल भी आ सकते हैं, जैसे ग्लिसरलडिहाइड भी है, लेकिन ज़्यादातर का जिक्र करूँ तो, ठीक है। और कीटोज में भी और सिंपल हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, वो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूलोज होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब जल्दी से लेट्स कवर द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फंक्शंस देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि हमें ऑफकोर्स पता है बहुत सारे, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 70-80% ह्यूमन एनर्जी नीड्स, पता है आपको क्या है, 70-80% ह्यूमन एनर्जी नीड्स फुलफिल होती हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल टिश्यूज भी बनाते हैं, ओके, स्ट्रक्चरल टिश्यू। अब कहाँ पर बनाते हैं स्ट्रक्चरल टिश्यू, याद करो आज की क्लास में पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना सेल्यूलोज के बारे में, राइट, लिग्निन के बारे में, अगार अगार के बारे में। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही तो हैं, ठीक है। बल्कि जैसे प्रोटीन थे ना, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे, ठीक है, ऐसे ही बायोलॉजिकली ट्रांसपोर्ट में भी कार्बोहाइड्रेट्स काम करते हैं, ठीक है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया आज की क्लास का, बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा कार्बोहाइड्रेट्स का। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूक्लिक एसिड्स। चलिए तो जो न्यूक्लिक एसिड का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं लिपिड वाले जो पैराग्राफ है ना उसके नीचे दो लाइन्स लिख रखी हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि लिपिड वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कहा था कि ये हम देखिए टॉपिक्स ना बीच बीच में से दे रखे हैं, तो उस सीक्वेंस में हमें समझ ना आए तो क्या फ़ायदा, सीक्वेंस चेंज कर लो, कॉन्सेप्ट हर एक पढ़ेंगे, समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बेस से चलेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ बीच बीच में दे रखा है NCERT ने, ठीक है, तो फिर दैट्स बेटर देन दिस, हमारा जो मेथड है इट्स बेटर, ओके। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अच्छा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम का। देखिए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कार्बन एटम के अलावा कोई भी, कार्बन हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई भी अदर एटम आ गया ना तो फिर वो हेट्रो एटम बन जाता है, ठीक है। हेट्रोसाइकल, हेट्रो एटम, उस एटम को तो हेट्रो एटम ही बोल देते हैं, ठीक है। और हमारे पास साइकिल को बोल दिया हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, लेट्स टेक रेड कलर, सो नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन में तो कोई आपत्ति नहीं है, नाइट्रोजन अलग आ गया, कार्बन ऑक्सीजन ये सब अलग आ गए ना, तो ये हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स बन गई,
Some of these are nitrogenous bases, adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. अभी मैं आपको दो कैटेगरी बताने वाली हूँ, वो भी टैबुलर फॉर्म में, ठीक है। वहाँ आपको पता लगेगा कि जो एडिनिन और गुआनिन है ना, वो हैं प्योरेंस के भाई बहन, ठीक है। और पाइरिमिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल वो पाइरिमिडिन्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। सो अभी इन पांचों का इकट्ठा जिक्र करते हैं, क्योंकि ये पाँचों ही नाइट्रोजनस बेसिस है। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। यहीं से क्या बता दिया एनसीईआरटी ने कि नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ना बहुत सारे हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पर, ठीक है। ये दो तीन लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एडिन, अब देखिए न्यूक्लियोटाइड की भी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। देखिए एन बेसिस प्लस शुगर इज इक्वल टू क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर इसी शुगर में मैंने, इसी पूरे न्यूक्लियोसाइड में, इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्ट्रीफाइड विद द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो हम सिंपली क्या ये लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप गिव राइज टू न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन आर न्यूक्लियोसाइड्स। ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस भी हैं, शुगर्स भी हैं। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया है ना, तो ये क्या बन गए, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। और आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब कि क्या है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए, आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शंस एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये वाला जो पैराग्राफ था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए वो थे न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जाम्पल और इनका कॉन्सेप्ट कि ये होते क्या हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डीएनए एंड आरएनए किसकी तरह काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह। देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं अपने एनसीईआरटी में शुगर्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के। देखिए ग्लूकोज C6H12O6, ये देखिए स्ट्रक्चर होता है, और राइबोस का ये स्ट्रक्चर होता है, याद होना चाहिए। राइबो, देखो ग्लूकोज में OR है, राइबोस में OR है, ये क्या हो गई, हेटरोसाइकिल हो गई ये। एमिनो एसिड का जिक्र करा था हमने, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स, देखिए फैट्स ऑयल्स में कोलेस्ट्रॉल की ब्रांचिंग शो हो रही है, ठीक है। लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड की बात करें, लेसिथिन जो हमने लिपिड वाले केस में बात करी थी, ठीक है। ग्लिसरॉल भी है, बल्कि अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्यूरिन, पाइरिमिडिन, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये प्यूरिन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। प्यूरिन आपको पता है क्या होते हैं, रीजन 9 मेंबर डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। डबल रिंग दिख रही है ना आपको, और कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर, ठीक है। और यहीं पर पाइरिमिडिन्स की बात करें ना, देखो पाइरिमिडिन्स का नाम बड़ा है, देखो नाम बड़ा है ना और काम छोटा है, 6 मेंबर है ये, और ये प्योरिन नाम छोटा है काम बड़ा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड्स पे, ओके। सो हियर इट इज। अब देखिए एनसीईआरटी ने सिर्फ इतने से मैं न्यूक्लिक एसिड के कॉन्सेप्ट को पूरा कवर कर दिया एक पैराग्राफ में, देखिए और चेक करिए और कहीं पर नहीं दिया ना न्यूक्लिक एसिड, लेकिन हम इनको करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। और ये जो बॉन्ड्स है ना, ये भी हम लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे, दोनों न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स के एक साथ। देखिए न्यूक्लिक एसिड द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाउंड इन द एसिड सोल्यू इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, ठीक है, बता दिया था एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब पॉली मीन्स मैनी चेन्स,
ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो ये क्या हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स. टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दीज कॉम्प्राइज ट्रू मॉलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू. यानी कि पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीपेप्टाइड्स मतलब अमाइनो एसिड्स के पॉली अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड ही एक्चुअल मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाती है एक लिविंग टिश्यू की. एक लिविंग टिश्यू में मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड. आई हैव टोल्ड यू दिस. ठीक है, अ न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स. वन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड क्या है मोनोसेकेराइड और थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड और फोस्फेट. ठीक है, जिक्र करा था हमने इनका. द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर नाइट्रोजनस बेसिस, एडिनिन, गुआनिन, यूरैसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन. ठीक है, एडिनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स. अब देखिए ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, अभी आप ध्यान से समझ लोगे ना तो 12th क्लास में जो मॉलिकुलर बेसिस है ना, जो चैप्टर हमारा जेनेटिक्स था, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पूरा बेसिक समझ के जाएंगे और बल्कि डिटेल में वहाँ पर फिर से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट ले लेंगे हम 11th के चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, सो एडिनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स. यानी कि प्यूरिन्स के एग्जांपल है एडिनिन और गुआनिन. ठीक है, ये याद रखना है, एडिनिन ये मैंने आपको बताया था ना, और बाकी सारे सब्स्टिट्यूटेड पाइरिमिडीन. यूरैसिल की अगर मैं बात करूँ ना, तो यूरैसिल मिलता है हमें आरएनए में. ठीक है, द स्केलेटल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रिस्पेक्टिवली. द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज ईदर राइबोस या डीऑक्सीराइबोस. ठीक है, यही दो हो सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पता है ना आपको. अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिसमें राइबोस होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन आपको ना थोड़ी सी डिटेल में जानना जरूरी है. प्योरिन और पायरिमिडिन का आई थिंक आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता दूंगी ना, तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, वो होता है आरएनए. ओके, सो लेट्स टेक एन लाइट कलर. ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड ये हो गया हमारा आरएनए, और ये डीएनए क्या है हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड. ठीक है, और अभी देखिए इसके अंदर गहराई से चलेंगे अभी हम. ठीक है, हम पहले क्या करते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे. ठीक है, जब डीएनए का तो हम कैसा बनाते हैं स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा करके और बीच में लाइनिंग लगा देते हैं. लेकिन क्या आपको आज तक पता है कि लाइनिंग्स का मतलब क्या है, पता है किसी को? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. देखिए इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं हम, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि एडिनिन थाइमिन के साथ बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाता है. अभी हम देखेंगे इनको. ठीक है, तो चलते हैं दूसरे डायग्राम पे. देखिए आरएनए के टाइप्स बता रखे हैं. पहले हम चलते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन की टेबल देखने. ठीक है, प्यूरिन वर्सेस पायरिमिडिन. ठीक है, ओके, नाउ प्यूरिन्स का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर और दूसरे साइड पे पायरिमिडिन्स का. तो प्यूरिन क्या है, हेटेरोसाइक्लिक और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और पायरिमिडिन्स भी हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड होंगे. ठीक है, सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक है, कोई डाउट नहीं. हेट्रोसाइक्लिक हमें पता है क्योंकि साथ में नाइट्रोजन भी है, तो हेट्रोसाइक्लिक है. और यहाँ पर अल्टरनेटिवली सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसीलिए वो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं. ठीक है, सो प्यूरिन्स आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ पायरिमिडिन रिंग फ्यूज टू एन आयमिडाजोल्ड रिंग. यहाँ पर देखिए पायरिमिडिन्स में इट कंटेन अ सिंगल कार्बन नाइट्रोजन रिंग एंड टू नाइट्रोजनस एटम. यानी कि अगर कोई पूछेगा कि पायरिमिडिन में कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि दो नाइट्रोजन एटम होते हैं पायरिमिडिन में, और जो हमारे पास प्यूरिन्स है यहाँ पर टू कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स होते हैं और चार नाइट्रोजन एटम होते हैं. ठीक है, यहाँ फोर नाइट्रोजन, वहाँ टू नाइट्रोजन.
कंटेन कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और यहाँ पर कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतने ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। प्योरिन्स क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिंग है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पाइरिडिन रिंग फ्यूज टू एन आयमिडाजोल रिंग। पाइरिमिडिन्स क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दो कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स होते हैं और यहाँ चार नाइट्रोजन एटम होते हैं और यहाँ दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इन स्ट्रक्चर पे चलो, ये है प्योरिन्स हमारे पास। एडिनिन को देखो पहले, एडिनिन, अब देखिए पहले यहाँ पर ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, टू रिंग्स हो गई यहाँ, इतना क्लियर है, टू रिंग्स एंड नाइन मेंबर्ड है, नाइन मेंबर्ड। अब देखते हैं कैसे है नाइन मेंबर्ड, चलिए थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। सो ये पहला मेंबर हो गया हमारे पास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हो गई नाइन मेंबर्ड, ठीक है। कितने नाइट्रोजन एटम है, लेट्स कैलकुलेट दैट ऑल्सो। चार होते हैं वैसे टेबल के अकॉर्डिंग, एक, दो, तीन, चार, क्योंकि ये प्योरिन है ना हमारे पास, एडेनिन, तो दोनों में यही होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, देखो एडेनिन और एडेनिन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि ग्वानिन में ऑक्सीजन है, ये डिफरेंसेस हैं। बल्कि इनका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के साथ आ गया डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। वहाँ NH2 आ गया, यहाँ अकेला ऑक्सीजन आ गया, ग्वानिन के केस में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर, ठीक है। देखिए ग्वानिन क्लियर हुआ, एडेनिन क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इतने ही होंगे, दो मैम, एक, दो, तीन, चार नाइट्रोजन एटम्स हैं, टू कार्बन चेन्स हैं, क्लियर। पाइरिमिडिन की बात करूँ तो साइटोसिन, देखिए एक और दो, दो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, और यहाँ पर भी टू नाइट्रोजन एटम्स हैं, क्लियर हो रहा है। यूरासिन में भी ऑक्सीजन होता है, थाइमिन में भी ऑक्सीजन होता है, एंड साइटोसिन में भी। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थाइमिन जो है ना वो हमें डीएनए में मिलता है, बल्कि यूरासिल आरएनए में मिलता है। यानी कि आरएनए की अगर मैं बात करूँ तो आरएनए में यूरासिल नहीं मिलेगा, सॉरी, आरएनए में यूरासिल मिलेगा, थाइमिन नहीं मिलेगा आरएनए में, ठीक है। सो आई होप आप स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए पे, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर ए पेयर्स विद टी, ऑलवेज याद रखना, ए मीन्स एडेनिन, टी मीन्स थाइमिन, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगी टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर करेगी विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। डीएनए को देखिए, ये यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड शुगर फॉस्फेट है, ये तो हमें पता है, डबल स्टैंडर्ड है और शुगर फॉस्फेट। आपको पता है कि इनकी बैकबोन क्या होती है? देखिए डीएनए इनके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो हमने देखा, यहाँ पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर दो स्ट्रैंड से बना है, ये हमें पता है। और यहाँ पर आपको पता है हर एक स्ट्रैंड एक पॉली डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि देखिए एक स्ट्रैंड है, एक न्यूक्लियोटाइड से तो बनेगा नहीं, पॉली डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। और वो किस किस चीज़ से बने होते हैं? शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। किससे बना है? शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप से। अब यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को छोड़ो, शुगर और फॉस्फेट जो है ना वो यहाँ पर बनाते हैं बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल। नाइट्रोजनस बेसिस तो यहाँ लग जाते हैं, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप बैकबोन बना देते हैं। ये जो पेयरिंग हो रखी है नाइट्रोजनस बेसिस की ही पेयरिंग हो रखी है, पर यहाँ पर आरएनए के केस में यहाँ डबल स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो पेयरिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। अब देख लो डीएनए के फर्दर टाइप्स होते हैं, चलो डीएनए के टाइप्स मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। डीएनए फर्दर तीन टाइप के होते हैं, टी डीएनए यानी कि ट्यूमर डीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास आर डी एन ए,
ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। थर्ड है हमारे पास, लास्ट वन है सीडीएनए। सीडीएनए क्या होता है, सीडीएनए का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए सीडीएनए क्या होता है, इट इज कॉपी या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, बस इनके नाम समझ लो, दीज आर एनफ, उसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो देखिए सीडीएनए क्या होता है, ये जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, ये भी ट्वेल्थ में ही पढ़ना है, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए की, जब बनता है, ठीक है। और जो टीडीएनए होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन में मिलता है, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, ठीक है। ओके गाइस, सो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट आज की क्लास का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। आरएनए की दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, आरएनए के फर्दर टाइप्स देख लो, मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, मैसेजेस पहुंचाता है ये, राइबोसोमल आरएनए मतलब आरएनए, एंड एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो आई होप आपको इस स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से क्लियर हो गए। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑसम चैनल, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और आज का कॉन्सेप्ट होता है यहीं पर क्लियर, बाय बाय।